हेलो गाइस, आज मैं डार्क आई का मेकअप करूंगी। सबसे पहले वही मॉइस्चराइज़र, उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करना है अच्छे से उसको। उसके बाद हम आईब्रोज़ क्रिएट करेंगे। आईब्रोज़ बनाने के लिए हमें 3 डॉट का ही यूज़ करना है। 3 डॉट से इजीली बन जाती हैं आईब्रोज़। आईब्रोज के बाद हम कंसीलर लगाएंगे। कंसीलर को अच्छे तरीके से शेप में लगाना है, बिल्कुल फिनिशिंग आएगी उससे बहुत अच्छी। अच्छे तरीके से उसे फैला देना है, स्प्रेड करना है, जिससे शार्प शेप लगे एकदम से। शार्प शेप आइज आईब्रोज क्रिएट हो जाएंगी। उसके बाद हम लाइट पिंक का यूज़ करेंगे, लाइट पिंक कलर। उसको अच्छे तरीके से लाइन बनाने के बाद उसको अच्छे तरीके से स्प्रेड करना है। उसके बाद हम थोड़ा उससे डार्क कलर का यूज़ किया है मैंने, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। उसके बाद मैंने फिर से वही कंसीलर लगाया है। कंसीलर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हम कोई भी दूसरा कलर क्रिएट करें अच्छे से उसकी फिनिशिंग आ सके। कलर अच्छे से फिल हो जाता है। ये देखिए, हमने ये मैंने वाइन कलर का यूज़ किया है। वाइन कलर का यूज़ किया है। ये कलर मेरा फेवरेट है। आपका कौन सा कलर फेवरेट है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। इसके बाद ब्लैक कलर, डार्क ब्लैक कलर कॉर्नर में मैंने यूज़ किया है। तरीके से अच्छे तरीके से स्मज करना है। इसके बाद मैंने आईलिड्स पे ग्लिटर अप्लाई किया है। इसके बाद मैं आईलाइनर लगाऊंगी। आईलाइनर अच्छे तरीके से मैंने लगाया। कैसा लगा आपको ये फाइनल लुक मेरा, बताइए ज़रूर। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।